की बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। झालावाड़ एसीबी एएसपी भवानी शंकर का बड़ा खुलासा हुआ है। वर्धमान शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में बड़ा वसूली का खेल उजागर हुआ है। एसीबी के हाथ लगे हैं छात्रों के 5 रजिस्टर और 179 छात्रों से सुविधा के नाम पर वसूले यहां पर 66 लाख रुपए। एसीबी ने रजिस्टरों से किया है घूसखोरी का खेल उजागर। हर छात्र से वसूले हैं 30 से 60 हजार रुपए। घूस देकर कागजों में करवाते हैं प्रैक्टिकल और लगाते हैं हाजिरी। कल से ही आरोपी एसीबी को रसूखदार लोगों के गिना रहा है नाम और निजी बीएड कॉलेजों में बढ़ा है भ्रष्ट तंत्र उजागर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और कल से ही आरोपी एसीबी को रसूखदार लोगों के नाम गिना रहा है। हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, एक बार फिर से एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जो वाकई में आज झालावाड़ एसीबी ने बड़ा खुलासा किया है, जो वर्धमान शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज है उसके अंदर बड़ा वसूली का खेल उजागर किया है। कल झालावाड़ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो वर्धमान शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज है उसके निदेशक और उसकी प्राचार्य संजय जैन और सविता पाठक को 10,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जब एसीबी ने घर की तलाशी ली तो घर की तलाशी में एसीबी को 5 रजिस्टर मिले। उन 5 रजिस्टरों में जब हिसाब किताब देखा तो कम से कम हर छात्रा से 30 से 60 हजार रुपए वसूलते थे और 100 निवासी छात्र छात्राओं से सुविधा के नाम पर 66 लाख रुपए इन्होंने वसूले हैं। वहीं घूस लेकर ये कागजों में प्रैक्टिकल और हाजिरी लगाते थे। ये एक बड़ा खुलासा है। अमूमन तौर पे देखा जाता है कि कई प्राइवेट कॉलेजों के भी इसमें नाम सामने आ चुके हैं। कुछ दिन पहले जयपुर एसीबी टीम ने भी रामगढ़ पचवारा में एक निजी बीएड कॉलेज में भी खुलासा किया था, उसके अंदर भी कई बड़े खेल उजागर हुए थे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि निजी जो बीएड कॉलेज है उनमें तो बड़ा भ्रष्टाचार चलता है और एसीबी अब उन निजी बीएड कॉलेजों का भ्रष्टाचार उजागर करने में लगी हुई है। चांदनी, नवीन, जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है, 66 लाख रुपए भी यहाँ से बरामद किए गए हैं, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं ये पता चल पाया है? अभी तक जो फिलहाल इसके अंदर जो कॉलेज के जो निदेशक हैं संजय जैन और कॉलेज के जो प्राचार्य है सविता पाठक, दोनों को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब एसीबी पूछताछ कर रही है कि ये जो ऊपर तक ये किस लेवल तक ये रुपए पहुंचाते थे, कौन कौन खेल में शामिल था, और ये तमाम जो सवाल है जो एसीबी जो आरोपियों से पूछ रही है। वहीं एक बड़ी बात और देखने को मिली है, जो कॉलेज का निदेशक है संजय जैन वो रसूखदार लोगों के नाम गिना रहा है। वो कल से ही एसीबी से कह रहा है आप उनसे बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, मैं उनको भी जानता हूँ। तो कुल मिलाकर एसीबी के ऊपर वो दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एसीबी की टीम अपनी कार्रवाई पे अड़िग है और उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए संजय जैन और सविता पाठक को 10,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल नवीन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो यहाँ पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और यहाँ पर 66 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और यहाँ पर लगातार पूछताछ भी की जा रही है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं।